Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2022 में रिलीज्ड एक हॉलीवुड हॉरर मूवी के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरे तूफानी रात से, जब हम एक छोटी सी बच्ची सीडी को देखते हैं एक विलो ट्री के नीचे खड़े क्रॉस साइन बनाते हुए। कुछ देर बाद वहां उसकी माँ मैडलिन आती है और उसे बाहर इंतजार करने के लिए कहकर खुद एक घर के अंदर चली जाती है। वहां उसकी मुलाकात होती है एक बहुत ही ओल्ड एंड क्रीपी लेडी से। पता चलता है वो एक विच है, पैसों के बदले लोगों पर काला जादू किया करती है। मैडलिन को भी किसी पर स्पेल कास्ट करना था, तो वो इस विच को पैसा देती है और साथ में उस व्यक्ति का खून भी। मैडलिन चाहती थी खुद डेविल इस व्यक्ति को पोजेस करे, नरक के आग में जले वो। लेकिन ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर्स होने वाला था, जिसके लिए ये विच डबल पैसा मांगती है। साथ में मैडलिन को एक चाकू भी देती है, जिससे पोजेशन के बाद कर्स्ड व्यक्ति के नेक पे होली क्रॉस बनाना होगा उसे। मैडलिन चाकू लेकर रेडी हो जाती है और रिचुअल स्टार्ट होता है, मगर कुछ देर बाद ही वो विच हेजिटेट करने लगती है, क्योंकि इस पॉइंट पे जनरली उसे कर्स्ड व्यक्ति का चेहरा दिखाई देने लगता है, मगर आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। कैसे होगा, उसे तो पता ही नहीं था यह व्यक्ति और कोई नहीं, वो खुद ही है। वो खून उसी का था जो सेडी ने एक रात छुपके से उसके शरीर से निकाली थी, और आज मैडलिन ने उसी का इस्तेमाल करके उसे उसके ही जाल में फंसा दिया। क्लियरली बहुत नफरत करती है वो इस विच से, तभी तो उसे मौत से भी बदतर सजा देना चाहती है। वो विच दर्द में तड़पने लगी थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे हजारों फ्लाइज उसके माथे के अंदर मंडरा रहा हो। देखते ही देखते उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, उसकी आंखें काली पड़ जाती है और उसके मुंह से निकल आता है एक हाथ शैतान का। यही सही वक्त था, मैडलिन और देर नहीं करती, चाकू से उस विच के गले पे क्रॉस बनाती है और फिर अपने बेटे को लेकर घर से भाग जाती है। अगले दिन में हम एक यंग लेडी एली से मिलते हैं। रिसेंटली उसके माँ की मौत हुई थी और वो इस घर को बेच के अपने हॉस्टल में वापस जाने की सोच रही थी। उसकी फ्रेंड बेथ उसकी मदद करती है, लेकिन जैसे ही वो चली जाती है एली घर में अकेली होती है। बहुत ही अजीबोगरीब हादसे होने लगते हैं उसके साथ। एक गाना बजने लगता है अपने आप, ये उसके माँ का फेवरेट सॉन्ग था, हर वक्त वो यही सुनती थी। इवन जब उनकी लाश मिली थी तब भी यही गाना चल रहा था, लेकिन अभी इसे स्टार्ट किसने किया। ग्रेजुअली हमें एली के लाइफ के बारे में कुछ डिटेल्स मिलते हैं। पता चलता है उसकी चाइल्डहुड काफी टफ रही। वो जब बहुत छोटी थी उसके पिता किसी दूसरे लड़की के साथ भाग गए थे, और उसके बाद से ही उसकी माँ कुछ बदल सी गई थी। हमेशा उसके लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, मेंटली अब्यूज करती थी एली को, और कुछ बोलने पर उनका बर्ताव और ज्यादा अग्रेसिव होता जाता था। बात इस हद तक पहुंच चुकी थी कि एली को अपने माँ से ही डर लगने लगा था। तो अडल्ट होने के बाद उससे जितना हो सके वो घर से दूर रहने लगी, और ऐसे ही एक दिन उसे खबर मिली उसके माँ ने सुसाइड कर ली है। अभी जब वो सोचती है कभी कभी उसे गिल्टी फील होता है, लेकिन तब सिचुएशन कुछ अलग ही था। एली जब यही सब कुछ सोच रही थी, ऐसे में उसे एक एमा नाम के लेडी का कॉल आता है। पता चलता है एली के माँ ने किसी मिस एम्ब्रोस का नर्स बनने के लिए एली का नाम सजेस्ट किया था, वो भी लास्ट वीक। उन्हीं ने एमा से कहा था आज एली घर पर रहेगी, तो उसे कॉल करके बात करने के लिए। एली हैरान हो जाती है, उसके माँ को कैसे पता था कि वो इस हफ्ते घर आएगी, ये कोई गेस तो नहीं हो सकता। तो क्या उन्होंने प्लान करके ये सब करी उसे घर वापस लाने के लिए। एली इस बात को बेथ से भी डिस्कस करती है, और तभी बेथ को उसके हाथ पर एक मार्क नजर आता है। एली बताती है उसके पिता के जाने के बाद उसके माँ का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था। ऐसे में एक रात उसने देखा उसकी माँ एक सिरिंज से उसका खून निकाल रही है, पता नहीं क्यों, वो बीमार तो बिल्कुल भी नहीं थी। डर से उस रात कुछ कह नहीं पाई एली, ना उस मेमोरी को कभी भुला पाई। उसकी माँ हमेशा से ही बहुत अजीब रही, लेकिन उनका ये लास्ट काम उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, आखिर इन लोगों से उसका रिश्ता क्या हो सकता है। उस रात भी एली को सपने में अपने माँ का भयानक चेहरा दिखता है। डर से नींद टूट जाती है उसकी, और लाइट ऑन करते ही चेयर की तरफ देख के उसे ऐसा फील होता है कि वहां कोई बैठा था, अभी अभी उठकर चला गया। उसके बाद जब वो वॉशरूम में जाती है, वहां हम उसके पीछे से किसी को गुजरते हुए देखते हैं, और उसे सुनाई देती है उसकी माँ की आवाज। वो एली को बुला रहे थे,
लेकिन प्यार से नहीं, गुस्सा और नफरत भरे पड़े थे उनके आवाज में। डर से एली का चेहरा फीका पड़ चुका था, लेकिन जब वो आवाज को फॉलो करके अपने माँ के कमरे में जहाँ पहुंचती है, तब उसे पता चलता है डर का असली मतलब क्या होता है। उसे दिखाई देती है उसकी माँ दरवाजे के पीछे एक रस्सी से लटकते हुए, भयानक दिख रही थी वो। उसी हालत में वो एली पर चिल्लाने लगती है, उसे गाली देती है, कोसती है। एली और सहन नहीं कर पाती, वहीं पर बेहोश हो जाती है वो। भले ही नेक्स्ट सुबह सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, मगर और इस घर में रुकने की हिम्मत नहीं होती एली से। ऊपर से उसे पैसों की भी जरूरत थी। पहले उसने सोचा था इस घर को वो बेच देगी, लेकिन अभी उसे पता चल रहा है ये घर तो ऑलरेडी गिरवी है। ऐसे में उसे उस जॉब ऑफर के बारे में याद आता है और वो उसी दिन एल्मा को कॉल करके सारे डिटेल्स जान लेती है। उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी तो बेथ जाती है उसे ड्रॉप करने। पता चलता है मिस एम्ब्रोस का घर एक बहुत ही आइसोलेटेड एरिया में है, जंगल के बीचों बीच। आसपास शायद और कोई रहता भी नहीं। पता नहीं क्यों वहां पहुंचकर एली को सब कुछ बहुत जाना पहचाना सा लगने लगता है, ऐसे वो यहाँ पहले भी आ चुकी है। वहां उसकी मुलाकात होती है एल्मा से, एक बहुत ही वियर्ड एंड रूड लेडी। पहले वो ही इस घर की देखरेख किया करती थी। मिस एम्ब्रोस का अपना और कोई नहीं है, एक लड़की थी डॉर्थी नाम से, मगर वो कहीं चली गई। फिलहाल मिस एम्ब्रोस कोमा में है तो उन्हें एक प्रोफेशनल केयर की जरूरत है। एल्मा ने मिस एम्ब्रोस के लिए हॉस्पिटल में प्राइवेट केबिन बुक किया है, लेकिन वो 3 दिन बाद अवेलेबल होगा। तब तक एली को ही उनका ख्याल रखना होगा। फाइनली एली मिलने जाती है अपने पेशेंट से और तब हमें पता चलता है मिस एम्ब्रोस तो असल में वो विच है जिस पर मर्लिन ने कर्स डाला था। मतलब वो अभी भी जिंदा है। जैसे सभी लोग कमरे से निकल जाते हैं, हमें इसका जवाब मिल जाता है। जब हम मिस एम्ब्रोस को अपनी आंखें खोलते देखते हैं, हम देख पाते हैं उसकी आंखें काले रंग के हैं। मतलब वो जिंदा तो है मगर पोजेस्ड है। बेथ को भी ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वो मना भी करती है एली को, लेकिन एली राजी नहीं होती। उसे ये जॉब करना था तो बेथ मजबूरन अपने घर वापस चली जाती है और एल्मा भी निकल पड़ती है अपने रास्ते। फाइनली एली जाती है मिस एम्ब्रोस से मिलने। वो तब भी सो रही थी, लेकिन एली के पास जाते ही वो जाग जाती है। एली नोटिस करती है उसके पूरा शरीर छोटे छोटे ब्लिस्टर्स से भरा है, उनसे खून निकल रहा है। इतने में मिस एम्ब्रोस भी वॉमिट करने लगती है और उसके मुंह से निकल आता है बहुत ही घिनौने जेली लाइक सब्सटेंस। एली ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो जल्दी से सब कुछ क्लीन करती है और फिर बाहर जाती है घर को एक्सप्लोर करने। तभी उसे पहली बार वो व्हीलो ट्रे दिखता है, जिसके पास जाती है उसे सुनाई देती है अपनी माँ की आवाज। मतलब जिन यादों से पीछा छुड़ाने के लिए वो यहाँ तक भाग आई, वो यादें अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं। वो देख नहीं पाती एक छोटी सी बच्ची जंगल के अंदर से उसे देख रही है। ये सेडी थी जिसे हमने फिल्म के स्टार्टिंग में देखा था। उधर एली को अचानक ही गूज़बम्स आने लगे थे। एक अजीब सा सन्नाटा मंडरा रहा था घर के आसपास। हवा भी जैसे आवाज करने से कतरा रही थी। एली घर के अंदर चली जाती है और देखते ही देखते चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है। खाना खाकर एली भी सोने की तैयारी करती है। उससे पहले वो जाती है मिस एम्ब्रोस के पास, पल्स वगैरह चेक करती है और कुछ देर उनके पास ही बैठ जाती है। ऐसे बैठे बैठे कब उसकी आंख लग चुकी थी उसे खुद नहीं पता, मगर उसके सोते ही मिस एम्ब्रोस जाग जाती है और उसके मुंह से निकल आता है फिर से वही काले रंग का हाथ जो डायरेक्टली एली के मुंह में घुसने की कोशिश करता है। फॉर्चुनेटली ठीक तभी फोन की घंटी बजती है और एली की नींद टूट जाती है, साथ में वो हाथ भी गायब हो जाता है। एली जाके फोन रिसीव करती है तो पता चलता है बेथ कॉल कर रही है। उसने उसके सेल फोन पर भी ट्राई किया था मगर एली ने रिसीव नहीं किया, इसीलिए उसे लैंडलाइन पे कॉल करना पड़ा। एली को याद तक नहीं आ रहा था उसने फोन कहाँ रखा है। जब वो फायरप्लेस के सामने बैठी थी तब तो उसका फोन वहीं पर था, तो अचानक कहाँ गायब हो गया। ठीक तभी बाहर दरवाजे से कुछ आवाजें आने लगती है, ऐसे कोई कुछ फेंक रहा है। चेक करने पर एली को बाहर एक रॉटन एप्पल मिलता है जिसके साथ एक छोटा सा नोट भी था। कोई नहीं चाहता एली इस घर में रहे, लेकिन कौन। एली उसी वक्त पुलिस को कॉल करती है और सब कुछ देखकर ऑफिसर एली को अश्योर करते हैं कि ये डरने वाली कोई बात नहीं, ये जरूर किसी बच्चे की शरारत होगी। लेकिन मिस एम्ब्रोस जिंदा है सुनकर वो ऑफिसर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता था कि वो मर चुकी है।
कुछ देर एली से बात करके वो ऑफिसर निकल जाते हैं और एली भी सोने चली जाती है, मगर रात भर उसे नींद नहीं आती। पता नहीं क्यों उसे बार बार कहीं से मक्खियों की आवाज आ रही थी, ऐसे पूरा कमरा फ्लाइट से भर चुका है, लेकिन लाइट ऑन करने पर उसे एक भी नहीं दिखता। नेक्स्ट डे सुबह और कुछ नहीं होता, लेकिन रात में जब एली ब्रश कर रही थी तो उसे जमीन के नीचे से अजीब सी आवाज आने लगती है, जैसे कोई चल रहा है। लेकिन घर में तो वो अकेली है और इस घर में बेसमेंट में जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, तो जरूर चूहा होगा। एली ज्यादा नहीं सोचती, मगर जैसे ही वो फिर से सोने की कोशिश करती है, घर के चारों तरफ से उसे किसी के चीखे चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जैसे कोई बहुत दर्द में हो, रो रहा हो। एली समझ नहीं पाती ये सब क्या हो रहा था, वो भी रात के 3:30 बजे। कुछ देर बाद जब यह सब शांत होता है तो फिर उसे सुनाई देता है मिस अम्ब्रोस के कमरे में कोई बात कर रहा है, कोई लड़की। एली को लगता है जरूर ये डॉरथी होगी, लेकिन चेक करने पर फिर से उसे कमरा खाली ही मिलता है। एली को बहुत अजीब लग रहा था सब कुछ, तो वो बेथ को सब कुछ बताती है और बेथ अपने पिता से कहती है एम्मा और मिस अम्ब्रोस के बारे में पता करने के लिए। वो एक पुलिस ऑफिसर है तो उन्हें ज्यादा देर नहीं लगती, मगर उन्हें जो पता चलता है वो काफी डरावना था। वो लोग एम्मा को ट्रेस तो नहीं कर पाए थे, ऐसे उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। सालों से उस घर में बस मिस एम्ब्रोस और उसकी बेटी डॉरथी ही रहती है। लेकिन वो बेथ को वार्न करते हैं, वो जगह सच में ही कर्स्ड है, बहुत सारे मिस्ट्रीज छुपे हैं उस घर में, कुछ ऐसा राज जिसके बारे में लोग अपना मुंह खोलने से भी डरते हैं, तो बेहतर होगा अगर एली वहां से निकल जाए। बेथ का सिक्स सेंस भी एग्जैक्टली यही कह रहा था। फिर भी श्योर होने के लिए वो हॉस्पिटल जाती है ये चेक करने कि मिस अम्ब्रोस के नाम से कोई बुकिंग है या नहीं, मगर उसे कुछ नहीं मिलता। बेथ समझ चुकी थी ये एक ट्रैप है, एली सच में ही खतरे में है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो खुद भी खतरे से बाहर नहीं है, एल्मा उस पर नजर रख रही है। नेक्स्ट एक भयानक सपने से एली की नींद टूटती है, जहां फिर से उसकी माँ उसे हॉन्ट कर रही थी। एली समझ नहीं पाती उसकी माँ आखिर उसे इतनी नफरत क्यों करती है, क्या चाहती है वो। कुछ देर बाद मैरिलिन आती है उससे मिलने, साथ में सेडी भी। पता चलता है उस दिन वो एप्पल उसने ही फेंका था एली को वार्न करने के लिए। मैरिलिन एली से सच कहती है कि मिस अम्ब्रोस असल में मर चुकी है, उसने खुद उसे मरते हुए देखा था। अंदर जो है वो एक शैतान है जिसे नई फसल की जरूरत है, यंग ब्लड की जरूरत है, और इसीलिए ही एली को यहाँ बुलाया गया है। लेकिन एली उसके बातों पर यकीन नहीं करती, तो मैरिलिन को उसे अपनी कहानी बतानी पड़ती है। पता चलता है मैरिलिन के पति थॉमस का अफेयर था डॉरथी के साथ। जब उसने रिश्ता तोड़ना चाहा तो डॉरथी गुस्से में पागल हो गई, अपने माँ के पास जाकर थॉमस और उसके बच्चों पर कर्ज डाल दिया। पहले मैरिलिन को भी काला जादू पर यकीन नहीं था, लेकिन जब सेडी अब नॉर्मल पैदा हुई, डॉक्टर ने कहा उसने खुद अपनी जीव खा लिया है, और उनकी दूसरी बच्ची जो बिल्कुल हेल्दी पैदा हुई थी वो भी अचानक ही 1 हफ्ते के अंदर गुजर गई। थॉमस डिप्रेशन के नीचे दब चुका था, एक दिन उसे सहन नहीं हुआ और उसने इसी विलो ट्री से लटक कर अपनी जान ले ली। उसी का बदला लेने के लिए ही तो मर्ली ने उस विच को उसके जाल में फंसाया, उसके गले पे क्रॉस साइन इसका सबूत है। एली सब कुछ सुनती है, मगर उसका रैशनल दिमाग इन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो वो रुकने की डिसाइड करती है। उसे समझ नहीं आता ऐसे एक्चुअल में वो अपनी ही मौत को बुलावा दे रही है। शाम के वक्त वो कुछ देर के लिए सो गई थी, वो देख नहीं पाती उसके पीछे कोई खड़ी है, उसकी माँ। वो गाना गा रही थी, वही उनकी फेवरेट सॉन्ग। उनकी आवाज इतनी डरावनी साउंड कर रही थी कि नींद में भी एली कांपने लगती है। उसका शरीर स्टिफ हो चुका था, खुद को ही फील नहीं कर पा रही थी वो। नींद टूटने पर वो इसे सपना समझकर भूल जाती है, लेकिन रात में जब वो किचन में जाती है उसे कुछ ऐसा दिखता है, उससे उसका होश ही उड़ जाता है। एक एग गिर गया था जमीन पर, उसे क्लीन करते वक्त एली को कारपेट के नीचे कुछ अजीब से साइंस नजर आते हैं। साथ में था एक सीक्रेट डोर, तो ये है बेसमेंट में जाने का रास्ता। एली नीचे जाती है तो उसे ढेर सारे सामान मिलते हैं जो काले जादू में इस्तेमाल किए जाते हैं, साथ में एक किताब भी। एली को उसमें बहुत सारे फोटोज मिलते हैं, ये उन लोगों के थे जो कभी इस विच के पास आए थे किसी और पर कर्ज डालने के इरादे से। इनमें एली को मैरिलिन की फोटो मिलती है और साथ में अपनी माँ की फोटो भी। एक झटके में उसे याद आ जाता है क्यों उसे यह घर इतना जाना पहचाना सा लग रहा है।
क्योंकि वो यहाँ आई थी अपने माँ के साथ बचपन में। यहाँ एक छोटे से बोतल में थोड़ा सा खून भी था जिस पर एली का नाम लिखा था, लेकिन उसका खून यहाँ कैसे पहुंचा? अचानक से एली के ऊपर किसी के चलने की आवाज आती है तो डर से उसके हाथ से वो बोतल गिरकर टूट जाता है। लेकिन ऊपर जाके चेक करने पर एली को कोई नहीं दिखता, लेकिन फील जरूर होता है किसी का ओमिनस प्रेजेंस मंडरा रहा था पूरे घर में। एली पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अपना फोन कहीं नहीं मिल रहा था, ना लैंडलाइन काम कर रहा था। फाइनली जब उसे मिस अम्ब्रोस के गले पर क्रॉस मार्क दिखता है, तब उसे यकीन हो जाता है कि मर्लिन सच कह रही थी। वो भागने की कोशिश भी करती है, मगर दरवाजा बाहर से लॉक्ड हो चुका था। अंदर उसकी माँ फिर से उसे हॉन्ट करने लगी थी, एंड फाइनली मिस अम्ब्रोस भी, वो भी जाग चुकी थी और उसके अंदर का शैतान भी बाहर आने लगा था। दूसरी तरफ बेथ भी निकल चुकी थी इस घर के तरफ अपने दोस्त को बचाने। वो पागलों की तरह कॉल कर रही थी एली को, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। फाइनली उसे एक मैसेज मिलता है कि एली घर वापस आ चुकी है, तो बेथ भी चैन की सांस लेती है और एली से मिलने जाती है उसके घर। मगर असल में तो ये एक जाल था। वो मैसेज एली ने नहीं, अल्मा ने किया था। एली का फोन उसके पास ही है, उसने कल रात ही उसे चुरा लिया था। अभी वो धोखे से बेथ को इस घर में बुला के उसे मार डालती है, जिससे एली को कोई मदद ना मिले और उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाए। उधर एली बिचारी किसी तरह उस कमरे से तो निकल आती है, लेकिन उस घर से नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। ठीक तभी घर में पुलिस आ पहुंचती है। उन्हें खबर मिली थी कि आज रात मैरिलिन इस घर को जलाने की कोशिश करेगी, तो वो लोग एली और मिस अम्ब्रोस को रेस्क्यू करने आए थे। एली उस ऑफिसर को मिस अम्ब्रोस की सच्चाई समझाने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं रुकते और उनके अंदर जाते ही कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। एम्ब्रोस हमला कर देती है ऑफिसर पर, उसे मारकर नोच नोच कर खाने लगती है। कुछ देर बाद जब दरवाजा खुलता है, एली अंदर जाती है तो सब कुछ देखकर डर से चिल्लाने लगती है वो। बाहर जो ऑफिसर खड़ी थी उससे मदद मांगने भागती है, लेकिन ठीक तभी एक गाड़ी आकर उस ऑफिसर को हिट करती है। वहीं पर बेमौत मरना पड़ता है उस ऑफिसर को। एली को लगता है ये बेथ है, लेकिन असल में ये अल्मा थी जिसने बेथ का फेस पहना था। वो अचानक ही एली पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है, और जब एली का सेंस लौटता है तब उसे पता चलता है असली खेल क्या है। असल में बात यह थी कि सालों पहले उसकी माँ यहाँ आई थी उसके पिता पर कर्ज डालने के लिए। उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने बदले में मिस अम्ब्रोस को एली का खून दिया था। इनडायरेक्टली अपने बेटी पर कर्ज डाला था उसने। जब एली उन्हें छोड़कर चली गई, वो बहुत नाराज हो गए। वो एली को पनिश करना चाहती थी, इसीलिए ही तो उसने सुसाइड करी, जिससे एली घर वापस आने पे मजबूर हो पड़े और वो उसे इस विच के घर में भेज सके। सब कुछ प्रीप्लान्ड था। साथ में ये भी रिवील होता है कि ये अल्मा असल में डोरोथी है, तो वो अभी एली का इस्तेमाल करना चाहती है अपनी माँ को आजाद करने के लिए। एली के माँ ने जो खून दिया था वो तो एली ने फेंक दिया, तो उसे फिर से निकालना पड़ता है उसके शरीर से, और फिर शुरू होता है एक ब्लैक रिचुअल। वो मिस एम्ब्रोस और एली दोनों को ही पेंटाग्राम के ऊपर सुलाकर चैंटिंग स्टार्ट करती है। इससे उस विच के अंदर शैतान जाग उठता है, उसका शरीर चिरफाड़ के बाहर निकल आता है और एली के अंदर घुसने की कोशिश करता है। बट फॉर्चुनेटली तभी मैरिलिन आ जाती है उसे बचाने। वो बाहर ही थी, देख रही थी सब कुछ। अभी अल्मा मतलब डोरोथी को मारकर बेहोश करके वो रेचल को रिवर्स करने की कोशिश करती है, जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो शैतान एली को छोड़कर उसकी तरफ बढ़ने लगा था। ऐसे में एली खुद को आजाद कर लेती है और एक चाकू से उस शैतान की पीठ पर होली क्रॉस बना देती है। होली फायर में जलने लगता है वो। आग देखते ही देखते पूरे घर में फैल जाती है, तो एली मैरिलिन और सेडी को लेकर बाहर भागती है। अल्मा अंदर ही रह जाती है, किसी ने उसको बचाने की कोशिश भी नहीं करी। वो ये मौत डिजर्व करती है, लेकिन वो मरती नहीं, बच जाती है और उसे हॉस्पिटलाइज भी किया जाता है। एट द फाइनल सीन हम एली को भी देखते हैं उसी हॉस्पिटल में काम करते हुए। सब कुछ भुलाकर वो नॉर्मल लाइफ में वापस जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपने अतीत से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं था। ऊपर से अभी भी उसका कर्ज टूटा नहीं था। ऐसे में एक दिन जब वो अल्मा को देखने जाती है,
उसे सुनाई देता है वही गाना जो उसकी माँ गाती थी। इनफैक्ट आवाज भी उनकी ही थी। अपने सामने उसे दिखता है एक भयानक नजारा। अहलमा उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। उसका पूरा शरीर जल चुका था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ये असल में अहलमा थी ही नहीं, उसके अंदर का शैतान था जो उस रात अहलमा को अपना वेसल बना लिया था। जागने के बाद ही उसने अपना खेल शुरू कर दिया था, मार डाला था वार्ड के सारे पेशेंट्स को। मतलब फिर से एक नया खेल शुरू होने वाला था, शैतान आजाद हो चुका था। लेकिन क्या एली के बातों पर कोई यकीन करेगा? शायद नहीं। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। इस फिल्म का असली नाम द अकर्स्ड है, जो 2022 में रिलीज हुई है। मैंने पहले मेंशन नहीं किया क्योंकि शायद आप लोगों को लगता है ये वाली फिल्म है जो 2021 में रिलीज हुई थी, लेकिन इन दोनों फिल्म कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी लाइन के हैं। अगर आपको उस फिल्म का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप राइट वाले वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।